जय हिंद प्रिंस, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, सीआरपीएफ के द्वारा आपका एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन, कल आपकी वैकेंसी और एज को बढ़ाकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों, जिसके अंदर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का एक जो कि दोस्तों क्यूरीज भी था कि आपकी एज को 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी एज को जो है दोस्तों जो है यहाँ पे नोटिस निकाला गया है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट की अभी तक अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का तो ऐसे सवाल है कि ये जो नोटिस है वो यहाँ पे फेक है। लेकिन दोस्तों, आपका क्या ये नोटिस फेक है या फिर आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, इसके बारे में कम्प्लीटली जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने कल आपको यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट दिख रही होगी स्टडी मटेरियल A2Z.in, जहाँ पे मैंने आप सभी को अपडेट भी कर दिया था, और यहाँ पे आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है और टेलीग्राम दिख रहा है, दोनों को जो है यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी के सभी लिंक जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो यहाँ पे आप जो है सिंपली दोस्तों नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि 16 घंटा पहले जो है आपको एक न्यूज़ दी गई थी, जिसमें आप यहाँ पे जो है क्लिक करके आप पूरी वैकेंसी की जानकारी ले सकते हैं और आपकी एज जो है यहाँ पे बढ़ा दी गई थी। और यहाँ पे देख दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी का जो टोटल जो नंबर ऑफ आंकड़ा था वो 9,360 हो गया है। पहले जो वैकेंसी थी दोस्तों आपकी जो थी वो 9,312 वैकेंसी थी। उसके बाद यहाँ पे जो है आपकी एज के रिगार्डिंग भी मैंने कुछ जो है अपडेट यहाँ पे की थी, तो आप यहाँ पे इन एज के बारे में भी अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं कि इनका एज जो है आपका बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो है आपकी ऑनलाइन अप्लाई होने का, और यहाँ पे जो है आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को सभी ने जो है देख लिया होगा दोस्तों, और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है आपका शायद जो है आप सभी ने देख लिया होगा। एक बार मैंने यहाँ पे जो है गलत नोटिस जो है यहाँ पे देखी, ये नोटिस जो है आपका यहाँ पे सीआरपीएफ के द्वारा जारी किया गया था। इसमें देख सकते हैं, पहली चीज़ तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन क्या फेक है, तो आपको बता दें कि दोस्तों ये नोटिफिकेशन बिल्कुल भी फेक नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये सीआरपीएफ की ऑफिशियली जो वेबसाइट है उस पर यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर आप आसानी से जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन इसका जो है मतलब ये नहीं है कि आपका यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो ये नोटिस जो है आपका फेक है। तो किसी भी प्रकार की अफवाह से आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं सीआरपीएफ दिखा गया है। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर जो है आपका अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो है यहाँ पर वेबसाइट पर जो है कुछ एरर शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ क्या कोई ऐसा एरर यहाँ पर आपका आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही CRPF टाइप किया, टाइप करने के बाद सिंपली यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था। ये देखिए दोस्तों, वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ से आप जो है इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन होता है दोस्तों, यहाँ से जो है आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी जो है यहाँ पे डाउनलोड जो है शो कर रहा है। तो पहली चीज़ दोस्तों क्लियर हो गई होगी कि ये सीआरपीएफ की ऑफिशियली जो वेबसाइट है यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है। अब रही बात दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो आप जो है अप्लाई जो है इसमें नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसमें सबसे पहले क्या कहा गया था, सबसे पहले यही कहा गया था कि आपको 3 साल का एज का छूट मिलेगा, और उसमें आपका जो है सीआरपीएफ एक नई रिक्रूटमेंट का यानी एक आपका नया नोटिस जो है वो जारी करेगा। तो वो नया नोटिस जो है वो जारी कर दिया है दोस्तों, आपका कल जो है ये नोटिस जारी हो चुका है। अभी जो है बहुत सारे कैंडिडेट इस लेकर परेशान है कि जो है इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे कब, क्योंकि आपका जैसे ही नोटिस जारी हुआ तो नोटिस जारी होने के तुरंत बाद जो है कैंडिडेट ने जो है इन चीज़ों को जो है देखना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। आप जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको जो है नई जो पोस्टें शो हुई है उनके रिगार्डिंग और आपके जो सीआरपीएफ की जो साइट है वो भी जो है दोस्तों यहाँ पे थोड़ी जो है कमजोरली जो है वो चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि दोस्तों जो है अभी नोटिस जारी किया गया है और सीआरपीएफ जो है जल्द ही आपके अपनी वेबसाइट पे अपडेट भी करेगा, क्योंकि पहला काम जो है कंप्लीट हो चुका है कि आपका 3 साल के लिए नोटिफिकेशन निकालेगा। वैकेंसी जो है अपनी तरफ से जो है बढ़ा दी गई है, और यहाँ पे जो है वैकेंसी तो अपनी तरफ से बढ़ाई गई है, वैकेंसी के यहाँ पे जो है बढ़ाने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन दोस्तों वैकेंसी जो है अपनी तरफ से बढ़ाई गई है।
बट एज में छूट जो दे दी गई है वो आपका यहाँ पे कम्प्लीटली जो है प्रोसेस हो गई है। लेकिन आपको ये भी जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यार 2/5/2023 आपकी इसकी लास्ट डेट है। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ से जो है इसको आसानी से दोस्तों जो है अभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होती है तो आप हमारी वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे स्टडी मटेरियल A to Z.in पे, जहाँ से जो है आसानी से आपका जो है प्रक्रिया जो भी स्टार्ट होगी। क्योंकि अपने पास समय जो था वो आप देख सकते हैं, पहले लास्ट डेट 14/25/4/2023 था और वही यहाँ पे आपको लास्ट डेट दिख रहा है। वेबसाइट के अंदर जो है कोई अपडेट अभी नहीं किया गया है, केवल नोटिफिकेशन ही आपका यहाँ पे रिलीज किया गया है। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे लास्ट डेट जो है दोस्तों एक्सटेंड जो यहाँ पे केवल नोटिस जारी हुआ है, यहाँ पे जो है डेट दोस्तों 2/5/2023 हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे पूरी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिससे जो है आने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो जो है यहाँ पे 9360 पदों पर नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज किया गया है वो बिल्कुल रियल है और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप सभी के जितने भी सवाल थे उन सभी का जवाब मैंने दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और CRPF का ऑफिशियली जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको सभी अपडेट हम जो है अपडेट करते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।